चलिए आज एक और बार अभिषेक से मिलते हैं, जिनकी ऑल इंडिया रैंक निमसेट में 389 थी। मैंने आपका पहले भी एक इंटरव्यू लिया था, और अभी क्योंकि आपकी डीयू में 12th रैंक है, तो सबसे पहले अभिषेक डीयू की 12th रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभिषेक, क्योंकि आपको एनआईटी पटना ऑलरेडी अलॉट हो चुका था, पर अब आपको क्योंकि डीयू की रैंक आई है 12th, तो आपने एनआईटी पटना छोड़ के डीयू शिफ्ट कर रहे हैं आप, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि डीयू का प्लेसमेंट और डीयू कॉलेज भी अच्छा है। 4-5 एनआईटी के बाद अक्सर बच्चे डीयू को ही लेते हैं। यस तो सर, अभिषेक, मैं चाहूंगा, कई लोगों के मन में शंका रहती है, बहुत डाउट रहता है, जैसे आपकी निमसेट में रैंक 389 आई, उसके ओके। बाद डीयू में 12th रैंक लाना, जबकि कई बार बच्चे इस बात के लिए कंफ्यूज होते हैं कि डीयू का बहुत अलग सिलेबस है, सर कैसे होगा, क्या होगा। तो मैं चाहूंगा कि आपकी जो सक्सेस जर्नी है वो बताओ, कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आने का रीजन क्या है। सर, एक खास इसमें जो प्लस पॉइंट रहा वो यही रहा कि निमसेट की रैंक एग्जाम से पहले आ गई थी, ठीक है, सबसे बेटर। तो हम लोगों को ये हुआ कि ठीक है, एनआईटी हमको मिल चुका है, अब डीयू के लिए हमें इतना टेंशन नहीं था, और ये नहीं था कि हाँ होगा नहीं होगा, देखेंगे हम लोग। ठीक है, कोई खास अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई बीएससी की मैथ सॉल्व नहीं की, लोग सोचते हैं बहुत सॉल्व करके जाना पड़ता है, ये है वो है, मुश्किल से 10 या 11 क्वेश्चन आते हैं बीएससी के। लेकिन अगर किसी के वो पहले से 40 क्वेश्चन जो बाकी बचे वो प्रिपेयर हैं, तब तो वो उनके बारे में सोच सकता है कि ठीक है बाकी के 10 क्वेश्चन भी मुझे करने हैं। लेकिन लोगों के 40 वो क्वेश्चन ही श्योर नहीं होते कि हम वो कर ले जाएंगे, क्योंकि वो सिलेबस पूरा निमसेट बेस होता है, उसमें कोई अलग नहीं होता। ये सब लोग सोचने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हाँ वो अलग होता है। तो यूजुअली हम लोग भी ऐसा कैजुअली बस देने गए थे कि चलो ठीक है देखते हैं, देखे क्या है, देने गए थे। वहां देखा तो पेपर काफी ठीक था, पेपर कोई दिक्कत नहीं, 40 क्वेश्चन के लगभग बन गए थे, तो कैजुअली देखे हम लोग चले आए अपना। जब लेकिन रिजल्ट आया देखा तो हम भी शॉक में रह गए एकदम से कि इतनी अच्छी रैंक लग गई। तो एक पॉइंट वहां से ये समझ में आया कि जब प्रेशर बिल्कुल जीरो होता है ना, तो परफॉर्मेंस अलग लेवल पे हो जाती है। आप लोग मतलब तो टेंशन अगर है, निमसेट में रैंक गिरने का कारण ही यही था थोड़ा सा कि टेंशन हो ही जाती है, क्योंकि पहला एग्जाम निमसेट ही पड़ गया था, सबका कोई ऐसा वो एक्सपीरियंस था नहीं उस चीज का कि हाँ क्या होने वाला है। लेकिन डीयू में वही चीज थोड़ा फायदा कर गई कि निमसेट हो चुका है, रैंक भी आ चुकी है, तो कोई प्रेशर नहीं था। तो पहला पॉइंट यही है कि प्रेशर नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है, कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, वो तब होती है जब आपके वो 40 क्वेश्चन प्रिपेयर हो, तब तो आप 10 क्वेश्चन के पीछे जा सकते हैं। जब लोगों के वो 40 क्वेश्चन ही प्रिपेयर नहीं है, तो 10 के पीछे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। यही सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी सर, बस जो आपने पढ़ाया उसी को बस पढ़ाया है और उसी से सब हुआ है। देखो अभिषेक, आपने बहुत ही कीवर्ड बोला। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि जहां पर आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, मतलब यस आप सर, फियरलेस हो, प्रेशर यस फ्री सर, हो, आपका रिजल्ट अपने आप आएगा। आपने बोला कि आपके एनआईटी में रैंक आ चुकी थी, कॉलेज भी यस मिल सर, गया था, तो डीयू कैजुअल रहने गए और यस वही चीज का फायदा मिला। यही आप डीयू सर, को ओवर एक्सपेक्टेड करके जाते हो, ओवर थिंकिंग, तो शायद हो सकता है ये रैंक भी नहीं आती। हाँ नहीं दूसरी आती। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने एक बात बोली कि वो 12 क्वेश्चन की चिंता 10-12 की जब करना है, जब 40 आते हैं। मैंने यस देखा सर, कई बच्चे 40 की चिंता नहीं, उन 12 की चिंता में वो 40 भी खो देते हैं। यस सर, यही सेम एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और कई लोग तो मिसगाइडेड हो जाते हैं। जैसे मैंने जब निमसेट का एग्जाम हुआ, तो हर एग्जाम के लिए एक बात बोली कि आप तो निमसेट की पढ़ाई करो, उसी का रिविजन, उसी की टेस्टिंग करो। पर कई बच्चों ने, जो कहीं और भी थे, कि आप सर वहां पर डीयू की टेस्ट सीरीज मिल रही है यहाँ पे। मैंने कहा कुछ नहीं होता अलग, पर वो इससे मिसगाइडेड हो गए, कंफ्यूज हो गए। पर आपने बहुत ही फेयरलेस दिया, और अपने यहाँ के सभी बच्चों ने, क्योंकि इस बार डीयू में अपने इम्पिटस के बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए, यस सब सर, यही माइंड सेट से देने गए कि यार चलो देखा जाएगा, और हाँ इसका सर, फायदा मिला। और मैं आप सब बच्चों को एक बात बोलूंगा कि आप हर एग्जाम को ऐसे देते तो कहीं दिक्कत नहीं होती। जैसे निमसेट में आपने प्रेशर ले लिया और कुछ नहीं हुआ, नहीं यस तो सर, और निमसेट की कुछ नहीं रैंक और हुआ। अच्छी होती। हाँ, हाँ शायद और बेटर होती लेकिन सर तो क्या करें, वो पहला एग्जाम होता है ना, तो थोड़ा सा अंदर से आ हाँ, ही इस जाता बार है वो। ऐसा हुआ। एक और चीज हुई कि हर साल क्या होता है, निमसेट के पहले 2-3 एग्जाम अक्सर हाँ सीईटी हो जाता महाराष्ट्र है, या बीएचयू हो जाता है, इस बार ऐसा नहीं हुआ, तो यस ऐसा हो गया, सर, कोई बात नहीं। पर कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। इनफैक्ट हाँ आपको एनआईटी ऑलरेडी मिल चुका था, आपने तो ज्वाइन भी कर लिया था, पर सर, उसके मेरा अच्छा एक महीने की क्लासेस भी हो चुकी थी। हाँ एक महीने आपने एनआईटी पटना क्लासेस अटेंड भी कर एनआईटी, ली। यहाँ आके हम लोग पूरा एक्सपीरियंस कर चुके हैं सब, चलो, तो एनआईटी कैसा एक होता चीज अच्छा है कि आपने एक एनआईटी का एक्सपीरियंस ले लिया, अब आप डीयू का एक्सपीरियंस लोगे, है। यस तो ये सर, भी खुशी की बात है। अच्छा, आप अपने जूनियर्स को, और आपने क्योंकि ड्रॉप लिया था, तो ड्रॉप आउट बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैसेज यही है कि ड्रॉप हो या ना हो, इसको तो हम बाद में सोचेंगे, 1-2 साल और एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही सर आपका स्टेटमेंट जो है, आगे के 40 साल कैसे जीने वाले हैं उस पर डिपेंड करता है बिल्कुल सब सही बात चीजें। है, ये 1-2 साल ठीक तब बहुत अच्छे लगेंगे कि हाँ मैंने ले लिया, अगर नहीं लेते तो तब बाद में सोचते कि शायद वो 1 साल लगा देते,
लाइफ चेंज हो सकती थी, कुछ और हो सकता था आज। तो बेटर है 1-2 साल 3 साल लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। यहाँ पे सर हमारे सब हैं बच्चे, 2 साल ड्रॉप आउट वाले भी हैं, 3 साल ड्रॉप आउट वाले भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जब वो यहाँ से जाएंगे ना, तो उनके पास वो टैग होगा, वो वैल्यू होगी जो उन्हें लॉन्ग लाइफ फायदा करने वाली है। सब भूल जाएंगे कि किसने 2 साल का ड्रॉप आउट लिया था, किसने 3 साल का लिया था। वो तब तक मैटर करती है जब तक आप NIT के बाहर है। जब आप NIT या किसी कॉलेज में अंदर आ जाते हैं, वो खत्म हो जाता है। सब इक्वल प्लेस पे होते हैं, ड्रॉप आउट वाले भी और नॉर्मल वाले भी। बिल्कुल सही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मुझे ये लगता है कि लेना चाहिए, अगर आप ले सकते हैं बहुत अच्छी बात है। और बस इसी माइंडसेट से प्रिपरेशन करें, ये ना सोचें कि हमने ड्रॉप आउट ले लिया अब हमारा क्या होगा। वो तो वैसे भी नहीं होना है, जब अगर यही सोच लिया तो पहला, सही बोला, बिल्कुल सही बात है, यही है कि अगर आपने ज्यादा सोचा तो आपका होता हुआ सिलेक्शन भी रुक जाएगा, सिलेक्शन ही चला जाएगा। तो यही है सिंपल, पहले ले उसको, अगर ले सकते हैं तो अच्छी बात है। और ये सोचे कि हाँ मेरा फ्रेश अटेम्प्ट है, बिल्कुल मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ड्रॉप लेने में आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ ही जाता है, कुछ कम नहीं होता है कुछ, आपके पास सीखा हुआ होता है काफी चीजें, बस उनको थोड़ा सा थोरो और करना होता है, थोड़ी प्रैक्टिस और करनी होती है बस। तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट ही है, अगर ड्रॉप है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। चलो अभिषेक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा एक बार बताइए, आपने क्योंकि जैसे ड्रॉप लिया था, आपका पढ़ाई का रूटीन रहता था, आपने सब पढ़ाई की इतने अच्छे से ऑनलाइन घर पे रह के, तो आपका रेगुलर रूटीन क्या होता था? कोविड था तो आप तो समझ ही सकते हैं कैसा, थोड़ा सा वो मेंटल प्रेशर सभी पे था थोड़ा थोड़ा। तो और एक्चुअली मुझे मई के टाइम पे कोविड हो भी गया था, एक महीने मेरी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी, मेरे घर में मेरे भाई मेरी मदर को सबको हो गया था कोविड, तो फुल फैमिली एक महीने के लिए सब ब्लॉक था। तो जो मतलब एक रूटीन था वो टूट तो गया ही था। हम लोग जैसे आपकी सुबह क्लासेस आती थी तो रेगुलर क्लासेस लेते थे, उसके बाद अपना जो थ्योरी वर्क मिला है या फिर प्रैक्टिस शीट मिली उसको किया, अगर टेस्ट पेपर्स हैं कुछ तो उनको किया, बस यही रेगुलर रहता था। कोई खास ऐसा एक्स्ट्रा नहीं कि 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे, कुछ नहीं, नॉर्मल वही 6 घंटे 7 घंटे में हो जाती है चीजें कवर। अब वो नहीं बोलना मुझे कि हाँ इतना पढ़ा है मैंने, कुछ खास ऐसा नहीं, कोई बात नहीं। बिल्कुल सही, देखिए जो जो आपका, मैं हर बच्चे का इम्पिटस का अलग एक्सपीरियंस रहता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। जैसे कई बच्चों के मन में रहता है कि 10 गाइड सॉल्व करेंगे जब होगा ये होगा, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा, कई बच्चे ये भी जानना चाहते हैं आपने कौन कौन सी बुक सॉल्व की, या केवल इम्पिटस के मटेरियल के साथ ही आपने अपने आप को तैयार रखा? मैंने तो एक सिंगल बुक खरीदी भी नहीं सर, सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात रहा। जो टेस्ट पेपर्स मिलते थे, जो थ्योरी पेपर मिलते थे, वो सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन कितने भी लगा लो क्या फर्क पड़ेगा उनसे। एक बार के बाद आपका चीजें हो गई ना तो फिर वो आ गई आपको, एक जैसे 10 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन लगा लिए चीजें आ जाती है, फिर उसके बाद उसको 1000 लगाते जाओ इतना कोई इशू बनता नहीं है, उसका मतलब नहीं बनता। आप 10-10 गाइडें सॉल्व करो, क्या टाइम वेस्ट ही है सर वो, तो मुझे लगता है सबका अपना अपना तरीका। पर आपने क्या करा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वालिटी स्टडी, जैसे आपने असाइनमेंट टेस्ट पेपर इन्हीं को अच्छे से सॉल्व कर लिया, काम हो गया आपका। हाँ सर यही मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि 10 बुक से सर आप जितना लगाओगे ना ज्यादा, जितना एक लिमिट के बाद जाओगे उतना कंफ्यूजन ही पैदा होगा, जेई मेंस के पेपर सॉल्व करने लगते हैं, इधर उधर के करने लगते हैं। जो आ रहा है जो आपके पास सिलेबस में है उसको पहले देख लो, जब उसमें लगने लगे कि हाँ वी आर परफेक्ट, इसमें अब सब कुछ हो चुका है हमारा, कोई पॉइंट नहीं छूट रहा है, तब आगे देखेंगे उसके बाद क्या होता है, कुछ और सॉल्व करते हैं जब उसके बाद। तो यही है, आप एक चीज पकड़ो, किसी को भी पकड़ो, सर दे रहे हैं जो चीज वो अच्छी है काफी सही है, उसको फॉलो करो सॉल्व करो सफिशियंट। मैं तो सफिशियंट मानता हूँ, क्योंकि मेरा हुआ है उससे, तो मैं सफिशियंट मानता हूँ उस मटेरियल को। अब और लोग जो भी कहें उसको चलो, चलो बहुत ही अच्छी बात है अभिषेक, आपसे बात करके बहुत मजा आया। अब आपने DU में, अब DU का एक्सपीरियंस लीजिए, अभी तो आपने पटना का लिया था, अब DU में आपको काफी मजा आएगा, अच्छा अलग लेवल पे आपको क्राउड भी मिलेगा, प्लेसमेंट भी मिलेगा, तो आप ऐसे ही आगे भी इंजॉय करें, वहां पर भी ऐसे ही खुश रह के पढ़ाई करें। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे खुश रह के जब कुछ काम करते हैं, और वही चीज आपको सक्सेस दिलाती है। एक ये है ना, जब चीजें थोड़ी अचीव हो जाती ना तो आपका आसपास का माहौल बदल जाता है काफी। बिल्कुल सही बात, रेस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं और भी काफी, तो वो पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है। जो मतलब पहले कुछ नहीं हुआ होता तो बाकी लोग वैल्यू कम करते हैं थोड़ा, उसके बाद काफी चीजें बदल जाती हैं। बिल्कुल, तो एक रैंक एक अचीवमेंट आपकी इंटायर लाइफ बदल देता है। इंटायर लाइफ बदल देता है, आप मतलब बहुत चेंज हो जाता है, मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया है इसको। तो लोग इसको सोचे 1-2 साल ड्रॉप आउट फर्क नहीं पड़ेगा, जब आपके पास अचीवमेंट होगा ना तो वो सब भूल जाते हैं लोग की क्या आपने पीछे अपनी लाइफ में किया है। चलो ये बहुत ही अच्छी बात है अभिषेक, चलिए वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।